गंजाम जिलार सर्वपुरातन मंदिर होची सिद्ध विनायक मंदिर। सिद्ध विनायक मंदिर गंजाम जिलार सर्वपुरातन मंदिर। यह रंडा पंचायत अवस्थित रही। रंडा पंचायत अवस्थित रही सिद्ध विनायक मंदिर पारिपार्श्विक स्थिति को संपूर्ण रूपे रूपरेख बदल निम्ते राज्यसभा सांसद पांठि 10 लाख टंका प्रदान करेक्ष्य राज्य सरकार विभिन्न मंदिर गुड़िकर पारिपार्श्विक चित्र को संपूर्ण रूपे बदल निम्ते अंटा भिड़ी। ठीक से भाव गंजाम जिला सिद्ध विनायक मंदिर जहाँ वर्तमान रंडा जेपे पंचमा ठार रही हूँ वास्तव मंदिर। जो मंदिर में सिद्ध विनायक पूजा पाँच अग्रपूज्य गजानन पूजा पाँच जदि गणेश चतुर्थी कथा कह संपूर्ण रूपे भक्त भक्त समागम रही। सीधा सड़क आम कथबार्ता हो पार जेहेतु राज्यसभा पांठि 10 लाख टंका मिली पारिपार्श्विक चित्र को संपूर्ण रूपे बदल निम्ते राज्य सरकार एभली एक गोटे पदक्षेप नहीं जोठार कि मंदिर उन्नतिकरण कौन कह रे आम राज्य सरकार विभिन्न मंदिर वर्तमान गुरुत्वारोप कर भल भाव जानते वर्तमान तारा तारिणी मंदिर तहार एक उदाहरण। वर्तमान आम स्थानीय जनप्रतिनिधि माने आमर राजनैतिक सचिव सार गोबन सारंकर दृष्टि आकर्षण करते विगत किछि दिन तले जोद्वारा कि सारंकर दृष्टि पड़ा पर माननीय मुख्यमंत्री ओडिशा को से जनाइले तत्संगे संगे से आम राज्यसभा सदस्य जे कि सस्मित पात्र महोदय अच्छा जनईले सस्मित पात्र जे कि राज्यसभा सदस्य निजस्व पांटी आमको 10 लाख टंका ये जहाँकि आमर गणेश मंदिर विभिन्न इनफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अर्थात जेकोसी आम भितर उन्नतिकरण कार्यक्रम कर आगामी दिन में आहरी आर केमी उन्नति हे से प्रति दृष्टि देवे एम समस्त विश्वास अच्छी आम माननीय मुख्यमंत्री को जेहेतु से संगे संगे आमको 10 लाख टंका एभली भाव देखते भाव दबार पांठि दबार प्रथम तेणुक अशेष अशेष माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद दबा संगे संगे आमर राज्यसभा सदस्य को निर्वाचन मंडल रंगईलुंडा ब्लॉक रो तथा यही रंडा पंचायत तरफ समस्ते आम अशेष अशेष धन्यवाद जनाऊ। मु सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद देवी कहीं निर्वाचन पूर्व रंगईलुंडा ब्लॉक गोपालपुर निर्वाचन मंडल को 95 लाख टंका अनुदान राशि देते जे मंदिर उन्नतिकरण पे आज सारा ओडिशा रे विजन अच्छी जे मंदिर जोटी अच्छी माननीय मुख्यमंत्री दृष्टि आकर्षण से आप देखिए लिंगराज मंदिर टू धरी पूरी मंदिर टू धरी घटगाँ तारिणी मंदिर टू धरी आम कटक चंडी भी उन्नतिकरण होमर अल्प दिन ते आम जी कि इष्टधात्री गंजाम जिलार तारा तारिणी मंदिर माननीय मुख्यमंत्री निजे आसी ताको प्रतिष्ठा उत्सव योगदान करते बहु संख्यार लोक से देखिं जो कौले प्रकार उन्नतिकरण होमर सिद्ध विनायक पीठ जोटा कि रंडा पंचायत अच्छी पंचमा ग्राम रे से बहुत पुरातन मंदिर सी तार गोटे इतिहास अच्छी से इतिहास को आम कहले सर तथापि आज माननीय मुख्यमंत्री तापर दृष्टि आकर्षण करे कि राजनैतिक सचिव आम अच्छा माननीय मुख्यमंत्री गोपन दास से अल्प दिन किसी दिन तले आसी बुली देखते सांगे सांगे सी आम राज्यसभा सांसद सस्मित पात्र को अनुरोध करते सी 10 लाख टा अनुदान देते जितेबाला पर्यंत गोपालपुर निर्वाचन मंडल माननीय मुख्यमंत्री आम दायित्व अच्छा आम भावु मंदिर पंचमा मंदिर आहरी उन्नतिकरण हम आम आशा व्यक्त कर आज्ञा। गणेश चतुर्थी पूर्व ही आम कार्य आरंभ करने आम पूरा प्रस्तुत अच्छा किंतु चतुर्थी पूर्व सरला भाया लगुनी सार आमको प्रतिश्रुति टूरिज्म मिनिस्टर हो कि अथच अन्य कौनसी राज्यसभा सांसद पांठि बहुत परिमाण रे पैसा पर्याप्त परिमाण रे देबी बोली आश्वरेंस आम आशा भरोसा लगुच आज्ञा मंदिर पूरा चेंज हे बोली कारण यहाँ बहुत प्राचीन मंदिर आज शह शह वर्ष मंदिर आम बुद्धि जान लड़ू देखु 3-4 टर्म है कहीं किसी आम माननीय एमएलए यार दृष्टि आकर्षण होनी तेणुक आम स्थानीय बासिंदा और पूजारी मैंने आम स्थानीय नेतृत्व ब्लॉक चेयरमैन ब्लॉक वाइस चेयरमैन डीआरडी वाइस चेयरमैन ब्लॉक प्रेसिडेंट आम समिति सभ्य
ସମସ୍ତଙ୍କର ନିବେଦନ କ୍ରମେ ସାର୍ ଆସିଥିଲେ, ଦେଖିଲେ ମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥା, ଯେଉଁ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଅଛି ତାହା ପୁରା ଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ତାହା ପ୍ରଥମେ ତିଆରି ହେବ, ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମନ୍ଦିରର ପୁରା ଫ୍ଲୋରିଂ ହେବ, ଏବଂ ଗର୍ଭଗୃହ ଯେଉଁ ଅଛି ବର୍ଷା ହେଲେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ପାଣି ଜମା ହେଉଛି ସେଇଟା ବି ତିଆରି ହେବ। ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା? ଦେଖନ୍ତୁ, ମନ୍ଦିର ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛି ଯେଉଁ ବନ୍ଧ ଅଛି ସେଇଟା ୱାଟରଫଲ୍ କରି ବୋଲି ସାର୍ କହିଛନ୍ତି, ଏବଂ ପାର୍କ ବି ହେବ ବୋଲି ସାର୍ ଆଶ୍ୱାସ ଦେଇଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ସଚିବଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ରଙ୍କୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ। କେମିତି କେମିତି ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି? ବହୁତ ଖୁସି ଆଜ୍ଞା, କାହିଁକି ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆହଳ ବିକଳ ପୂଜାରୀମାନଙ୍କର ମୁଁ ଦେଖି ସେଦିନ ଜାଣିଲି ସାର୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ 10 ମିନିଟ୍ ଭିତରୁ କଲ୍ କରିକି ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଅର୍ଡ଼ର ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ହେଲା, 2 ଦିନ ଭିତରେ ଆମ ବ୍ଲକକୁ ଚିଠି ଆସିଲା ଆଜ୍ଞା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସେମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ଯଦି ଏଗୁଡ଼ାକ କାମ ଯଦି ବହୁତ ମାନେ ଭଲରେ ହେବ, ମନ୍ଦିର ଉନ୍ନତି ଟିକେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଚିରୋପକୃତ ହେବୁ ବୋଲିକି। ନାଇଁ ଭଲରେ ହେବନି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ଭଲରେ ହେବ ବୋଲି ତ ଭାବୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ଯଦି ଆଉ ଟିକେ ସୁନ୍ଦର ହେବ ମାନେ ଯେତିକି ଅଛି ଆଉ ଟିକେ ସୁନ୍ଦର ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଚିରୋପକୃତ ହେବୁ ବୋଲି ଆମେ। କ'ଣ ସୁନ୍ଦର ହେବ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ମାନେ ମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ ଗର୍ଭଗୃହ ଅଛନ୍ତି, ମନ୍ଦିରର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ଯେଉଁ ପାଚେରୀ ଅଛି, ଆଉ ବନ୍ଧ ଚାରି ଚାରିକାନି ଯେଉଁ ନାଇଁ ନଥିବା ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ହେଇଅଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ଅସୁବିଧା କହିଲେ ଗଛ ପତ୍ର ଲଟାପଟି ହେଇକି ଅଛି, ତାପରେ ପାଚେରୀ ଗୁଡ଼ାକ ଟୋଟାଲି ଭାଙ୍ଗି ହେଇକି ଅଛି, ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ସେ ଜିନିଷ କିଛି ହେଇନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା ରଖିଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହା ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ପୂଜାରୀ ମହାଶୟ ମଧ୍ୟ ଯାହା କହିଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଅସୁବିଧା ଦେଇ ସେମାନଙ୍କ ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ବର୍ଷା ଦିନ କଥା ଯଦି କହିପାରିବା ସେମାନେ ନାଇଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସହ କିରଣ କୁମାର ମିଶ୍ର, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।